वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पत्ता लोकसभा चुनाव 2024 में कट सकता है। इसकी बड़ी वजह प्रज्ञा ठाकुर की कोई बड़ी उपलब्धि ना होना और अनर्गल बयानबाजी करना है। वहीं भाजपा इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से उतार सकते हैं। कल हुई बैठक में भाजपा के कई दिग्गजों के नामों पर विचार मंथन हुआ। भोपाल संसदीय क्षेत्र से कट सकता है प्रज्ञा सिंह का पत्ता। शिवराज सिंह चौहान को उतार सकते हैं भोपाल से। शिवराज का विदिशा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन। सूत्र: अनर्गल बयानबाजी की वजह से प्रज्ञा सिंह हाशिए पर। बैठक में भाजपा के कई दिग्गजों के नामों पर हुआ विचार मंथन। परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से सिंधिया को उतार सकते हैं। प्रदेशों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और चाणक्य नीति की बदौलत पूरे देश में उलटफेर करने में माहिर भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तगड़ी रणनीति बना रही है। विधानसभा चुनाव में एक तरफा बहुमत हासिल करने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में भी कोई कमी पेशी नहीं रखना चाहती। नतीजतन दमदार दावेदारों को रण में उतरने की जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि सियासी महकमों की माने तो कुछ नामों पर मंथन हुआ है। भाजपा हाईकमान की लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की इस मीटिंग में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों को लेकर चर्चा हुई। अभी बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहां से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पत्ता कट सकता है और शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जा सकता है। शिवराज को लेकर चर्चा है कि लोकसभा पहुंचने के बाद उनको केंद्र में भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह की इच्छा कुछ और है। दरअसल शिवराज चाहते हैं कि उन्हें विदिशा सीट से मौका दिया जाए, जहां के वो रहने वाले हैं। शिवराज सिंह विदिशा सीट से 1991 से 2004 के दौरान 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके परिवार की परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से ही उतारा जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार चुके फग्गन सिंह कुलस्ते को भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा आक्रामक, पूरी दबंगता और निष्पक्षता के साथ रेड 9 हुआ अब रेड इंडिया 24। भारतीय जनता पार्टी के लिए भोपाल संसदीय सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। राजधानी की सीट होने की वजह से ये सीट राजनीतिक संदेश देने के काम भी आती है। भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा में अलग थलग पड़ गई। बड़बोलेपन और विवादित बयानों के कारण पार्टी नेताओं ने भी उनसे किनारा करना बेहतर समझा। इसकी बड़ी वजह प्रज्ञा सिंह की कोई बड़ी उपलब्धि ना होना और अनर्गल बयानबाजी करना। भाजपा ने कई बार प्रज्ञा सिंह को समझाया कि वे जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा ने टिकटों के बंटवारे में साध्वी की पसंद को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। साध्वी के हाशिए पर पहुंचने की वजह भी उनके बयान है। वे अपने बयानों से कई बार संगठन को संकट में डाल चुकी हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्हें नालियां और शौचालयों को साफ करने के लिए सांसद नहीं चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना के खिलाफ उनके बयान पर पार्टी ने फटकार भी लगाई थी। मुंबई हमले में शहीद हुए बलिदानी हेमंत करकरे पर भी साध्वी ने विवादास्पद बयान दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले नाथुराम गोडसे पर बयान देकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी थी। साध्वी के बयानों को लेकर प्रदेश के नेतृत्व के सामने कई बार धर्म संकट की स्थिति भी बनी। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कट्टर हिंदुत्व छवि वाली नेता है। ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोई ना कोई ओहदा या जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सनातन पर बोलने वाला भी कोई तो होना चाहिए। जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी नेता अमित शाह या कोई और बड़ा नेता जवाब नहीं दे पाता, प्रज्ञा ठाकुर वहां काम तो आती ही है।